College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Sangamitra Benkhare. Class SYBMMC, Module Number 3, Subject ITP, and today's our topic is DOF, means Depth of Field. In photography, depth of field is very important topic. What is depth of field? Let's understand. Depth of field is the sharpness range either side of focus point. This is controlled by the aperture. Larger aperture means smaller f-stop numbers results in a shallow depth of field where less is sharp. Like that, while smaller aperture, higher f-stop number will result in a great depth of field where more is sharp. Means एक depth of field एक ऐसी concept है उसमें जो picture में हम लोग को sharpness दिखती है और कभी कभी background में कुछ blur दिखता है, ये इसके अंडर आता है. दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द डेप्थ ऑफ फील्ड. और डेप्थ ऑफ फील्ड एक ऐसी टेक्निकल चीज है, जैसे कि वो शूट करने के टाइम हर एक सीन के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के प्रोडक्ट के हिसाब से उसका एपर्चर सिलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से वो शॉट शूट किया जाता है. एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ये जो लैंडस्केप आपको दिख रहा है, इन लैंडस्केप फोटोग्राफी हम लोग बहुत बड़ा व्यू दिखते हैं देखते हैं. व्हाइल व्यूइंग वी आर लुकिंग एट फ्रॉम फर्स्ट फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड. तो जब भी हम लोग फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक देखते हैं तभी हम लोग को एवरीथिंग लुक एट द शार्प, हम लोग को सब कुछ दिखता है वो शार्प दिखता है फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक. तो ये अभी फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक ये आपको शार्प कैसे दिखता है और क्यों दिखता है? जैसे हाँ, आंखों में हम लोग जैसे नॉर्मल व्यू हमारे आंखों से देखते हैं तभी भी हम लोग को सब शार्प ऐसे दिखता है, लेकिन लेंस को ये कैसे मालूम पड़ेगा और कैमरा को कैसा ये हम लोग कैसे इफेक्ट डालेंगे? तो ये इफेक्ट डालने के लिए हम लोग को लेंस में एक एपर्चर करके एक सिस्टम रहती है. तो जैसे कि एपर्चर यूज करते हैं तो उसके ऊपर ये डेप्थ ऑफ फील्ड का जो इफेक्ट रहता है वो डिपेंड होता है. जैसे कि हम लोग स्मॉल एपर्चर ये लेंस के ऊपर रहता है तो जो एपर्चर यूज करता है, जैसे कि स्मॉल नंबर ऑफ एपर्चर यूज करेंगे तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगी, बिग नंबर ऑफ एपर्चर यूज करेंगे तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी. लेकिन ये क्या है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है और इसका इफेक्ट एडवर्टाइजिंग के लिए कैसे यूज होता है, लेट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. अभी ये जो पिक्चर देख रहे हैं हम, दिस इज अ वेरी नॉर्मल मीन्स फ्लावर पिक्चर इन एक प्लेटू पे शूट किया है, जैसे दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लावर्स. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दिस पिंक फ्लावर्स आर वेरी टाइनी फ्लावर्स. हाँ, इसको शूट किया है एक माइक्रो लेंस से, इसमें इसको शूट किया हुआ है बिकॉज दिस फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल फ्लावर्स. तो अभी इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे फोकस है, जैसे कि रेड ये जो पिंक फ्लावर है इसमें फोकस है और पूरा बैकग्राउंड जो दिख रहा है वहाँ पे पूरा कर्टन जैसा दिख रहा है, मीन्स दैट इज अ टोटल आउट ऑफ फोकस दिख रहा है. तो अभी जो ये आउट ऑफ फोकस हो रहा है उसमें क्या दिख रहा है, हम लोग ब्लर दिख रहा है. तो ये इफेक्ट कैसे पाया जाता है, तो दिस इज ड्यू टू द अपर्चर. और फिर इस जो ये ब्लर बैकग्राउंड है और ये जो फ्लावर जो दिख रहा है आपको शार्प दिख रहा है, तो इसको जो ये जो हम लोग इफेक्ट पाते हैं अभी इसमें जो बैकग्राउंड आपको बल ब्लर दिख रही है तो इसको बोल रहे हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. सेम वे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्लियर दिख रहे थे स्काई तक, फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक और स्काई तक होराइजन लाइन ये पूरा हम लोग को क्या दिख रहा है, शार्प दिख रहा है टोटल. दिस इज कॉल्ड अ डीप डेप्थ ऑफ फील्ड. तो DOF इज शैलो एट अ वाइडर एपर्चर एंड दैट मीन्स द एफ नंबर इज 1.4, 2.8, 4, 2 आर अ वाइडर एपर्चर्स.
Wider apertures are denoted by the small numbers. Big apertures, that is at 16 and 22, they are using for a deep depth of field. In advertising shoot, while talking about the advertising shoot, sometimes there are backgrounds matters. तो जब भी बैकग्राउंड्स शॉट में इंक्लूड करनी रहती है तभी कुछ फैशन फोटोग्राफर रहता है, सिनेमा फोटोग्राफर रहता है, दे आर यूजिंग द डीप डेप्थ ऑफ फील्ड. तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड से क्या होता है, एक एटमॉस्फियर का जो फील रहता है, जो बैकग्राउंड के जो डिटेल्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स रहते हैं, मॉडल की जो ज्वेलरी रहती है उसके डिटेल्स रहते हैं, वो सब डिटेल्स पाने के लिए, जो कपड़े में टेक्स्चर रहता है उसकी डिटेल्स रहती है, ये सब डिटेल्स पाने के लिए हम लोग F22, F16, F11 ऐसे अपर्चर्स यूज करते हैं, ताकि हम लोग को क्या मिलता है, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मीन्स जोन ऑफ शार्पनेस क्या होता है, अपना ज्यादा क्लियर हो जाता है. दिस इज अ जनरल शॉट ऑफ अ फूड शॉट. फूड शॉट में भी लॉट ऑफ अभी एडवर्टाइजिंग में हम लोग देख रहे कि देर आर मैसिव इफेक्ट इन फूड पिक्चर्स ऑल्सो, दे आर हाईली डिमांडेड. तो यहाँ पे भी पूरे डिश के शूट्स दिखाने रहते हैं, तो भी हम लोग को डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज हो सकता है. दिस इज अनदर पिक्चर लाइक सी, हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ये पानी के बूंदी, दिस इज अ नेचर पिक्चर और अ वेरी क्रिएटिव पिक्चर. ये जो पानी की बूंदे है तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये भी क्लियर दिख रहे हैं, और जो पीछे की बैकग्राउंड है वो पूरी आउट ऑफ फोकस हो रही है. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. लेकिन ये लेंस के ऊपर भी निर्भर होता है कि माइक्रो लेंस से हम लोग जब शूट करते हैं, जैसे कि ये लीव्स है, इसमें टाइनी ऑब्जेक्ट है, फ्लावर है, तभी जो माइक्रो लेंस का जो डेप्थ ऑफ फील्ड रहता है वो ज्यादा हम लोग को उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, उसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड कम होता है. और सेम पॉइंट हम लोग जब वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं तो वाइड एंगल लेंस में डेप्थ ऑफ फील्ड क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है. अभी व्हाट इज, लेकिन ये कैसे पता पड़ता है और ये कैसे मालूम पड़ता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे अचीव करना है, जोन ऑफ शार्पनेस कैसे अचीव करना है. दिस इज अ लिटिल बिट अ टेक्निकल टर्म एंड यू विल गेट इट आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑन द कैमरा, विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ फील्ड एंड हाउ इट इज यूज बाय द एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर और द सिनेमा फोटोग्राफर्स और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स और प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स. In interior photography, this concept is also very useful because the interior shots are very big and they need to show the clarity, the zone of clarity, the each and every corner of a interior section or the furniture quality, that should be a very clear and a sharp. So what is a two-third ratio? अभी ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि जोन ऑफ शार्पनेस, आई एम डिस्कसिंग दैट इज अ जोन ऑफ शार्पनेस, जोन ऑफ शार्पनेस तो और जोन ऑफ क्लैरिटी, तो व्हाट इज दैट, कि जोन ऑफ वो कैसे पाया जाता है और कैसे अचीव किया जाता है. तो दैट इज द DOF इज ऑलवेज इन अ टू थर्ड रेशियो. दैट इज, दैट मीन्स जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट लिया है, एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस लेडी इज स्टैंडिंग नियर द पिलर, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो पीछे वाले जो पिलर्स है वो क्या दिख रहे हैं, हमको अनशार्प दिख रहे हैं. लेकिन जो पहले का पिलर है और उसका पीछे का जो एक पिलर है वो जो खुद मॉडल और एक पीछे का पिलर है, ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, थोड़ा शार्प दिख रहे हैं. मीन्स क्या, इसका ही मतलब क्या कि टू थर्ड फोकसिंग मीन्स क्या रहता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड ये इफेक्ट जो रहती है ये फोकसिंग के ऊपर निर्भर होते हैं. हम लोग जहाँ फोकस करते हैं उसके पहले और मीन्स फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में आपका फोकसिंग, ये डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट आपको अप्लाई होता है. और वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है, आप लोग कौन से अपर्चर नंबर यूज करते हैं. समझो आप 8 अपर्चर यूज किया आपने, तो उसमें क्या रहेगी, आगे की फोरग्राउंड की जो क्लैरिटी है और बैकग्राउंड की क्लैरिटी है वो भी क्या है, प्रोपोर्शनेटली चेंज होएगी इन टू थर्ड रेशो. टू थर्ड रेशो इज अ सिंपल
कि आगे की जो ऑब्जेक्ट के आगे की जो स्पेस रहेगी वो थोड़ी कम रहती है, और जो ऑब्जेक्ट के पीछे की स्पेस रहती है वो ज़्यादा क्लियर रहती है। तो दैट इज इट इज रफली इट इज कॉल्ड एज अ टू थर्ड रेशो। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगी, ये जो फर्स्ट पिलर है ये आपको क्लियर दिख रही है, इसकी उसकी पहली जो उसकी बाद वाली जो पिलर है वो भी आपको क्लियर दिख रही है, पीछे की पिलर है वो आपको क्लियर दिख रही है, लेकिन उसकी बाद के जो पिलर्स है वो आपको क्या दिख रहे हैं, अनशार्प दिख रहे हैं, मीन्स आउट ऑफ मीन्स ब्लर दिख रहे हैं। धीरे 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 ये लास्ट पिलर क्या होते गया है, ब्लर होते गया है। तो यहाँ पे अभी अपर्चर कौन सा यूज किया है, तो यहाँ पे अभी ये जो पीछे वाले जो बैकग्राउंड है वो आपको आउट ऑफ फोकस दिख रही है, उसका मतलब ही ये है कि जो अपर्चर यूज किया है वो मे बी इट्स अ ओपन अपर्चर लाइक 2.8, 3.5, 1.8 लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे जोन ऑफ शार्पनेस ओनली दिस इज अंडर द मॉडल, और जो बाकी के पिलर जो है वो क्या हुआ है, आउट ऑफ फोकस हो गए। तो दैट्स व्हाई दिस मे बी दिस मॉडल इज शॉर्ट ऑन द एपर्चर नंबर, मे बी इन 3.5 और 2.8 एपर्चर नंबर। अभी सेम वे यहाँ पे जो अपर्चर यूज किया है ये कौन सा किया है, 22 किया है, द स्मॉलर नंबर ऑफ अपर्चर। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये पिलर भी आपको ये जो पीछे वाले पिलर है वो सब के क्या दिख रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं, आगे के पिलर है वो भी क्या दिख रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं। मीन्स क्या, द फोकसिंग समझो आपका क्या है, यहाँ पे ये मॉडल के शोल्डर के आप फोकसिंग है, तो फोकसिंग की जो पीछे का जो हिस्सा पीछे का जो फोरग्राउंड का जो ये है एरिया है वो भी शार्प है, और आगे का जो एरिया है वो भी शार्प है, लेकिन यहाँ पे भी ये टू थर्ड जो रेशो है अपना फोकसिंग का वो अप्लाई होता है। मीन्स क्या, फोरग्राउंड में भी आपकी कोई डिस्टेंस आपका जो टू थर्ड आपका जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, शार्प रहेगा, और बैकग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, शार्प रहेगा। तो जब भी हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ अपर्चर यूज करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड इज वेरी डीप, एंड इट इज वेरी एडवाइजेबल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एटमोस्फियर फील, और एडवर्टाइजिंग में पूरा उसको शॉट दिखाना है, पूरा सीन दिखाना है, मूवी में भी सिनेमाटोग्राफी में भी एक एटमोस्फियर का फील लेना है, बैकग्राउंड्स के डिटेल्स चाहिए, मीन्स बैकग्राउंड कोई ऐसे पोर्ट्रेट है और बैकग्राउंड में कुछ बहुत सारी चीजें है, शॉप में बहुत सारे रैक है, उसमें कुछ चीजें रखी है, तो वो चीजें भी दिखना जरूरी है। तो दैट टाइम यू नीड टू यूज द डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, मीन्स यू हैव टू यूज द स्मॉलर नंबर ऑफ अपर्चर, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, मीन्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनिया इन यूजिंग द डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट। अभी यहाँ पे लाइक दिस इज दिस पिक्चर, यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये सब आपको क्या दिख रहा है, शार्प दिख रहा है, मीन्स ये, और ये पिक्चर पूरी डेलाइट में शूट किया हुआ है, डेलाइट में शूट किया है, प्लस इसमें वाइड एंगल लेंस यूज की है, तो डीप अपर्चर क्लोज अपर्चर स्मॉल अपर्चर जब भी हम लोग यूज करते हैं जाके 22, 16, तो दैट टाइम वी नीड अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो। तो ये जो पिक्चर है दिस इज अ परफेक्टली शॉर्ट पिक्चर, दैट इज द लाइटिंग इज ऑल्सो गुड, एंड द डिटेल्स फ्रॉम द बैकग्राउंड बिल्डिंग्स आर वेरी क्लीन एंड नीट, क्लियरली हम लोग उसके जो बिल्डिंग के जो डिटेल्स है हम लोग को क्लियरली दिख रहे हैं, एंड जो आगे के फोरग्राउंड के जो 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 छोटे छोटे हाउसेस है वो दैट इज ऑल्सो वी आर फाइंडिंग इट इज लुकिंग ऑल्सो क्लियर। ऐसा नहीं है कि फोरग्राउंड में जो पिक्चर है वो अनशार्प है और बैकग्राउंड में शार्प है, और बैकग्राउंड अनशार्प है और फोरग्राउंड शार्प है, ऐसा नहीं है। तो ये फोरग्राउंड भी और बैकग्राउंड भी क्या दिख रहा है, टोटली शार्प दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये ज्यादा ये हो जाएगा, दिस इज अ टोटल आउटडोर पिक्चर इन अ सनलाइट। तो यहाँ पे जो ये है, दिस मॉडल इज स्टैंडिंग इन अ नियर द फॉरेस्ट,
तो यहाँ पे जो वो जो खड़ी है तो उसके आगे भी थोड़े ग्रास है और पीछे भी ऐसे कुछ बुशेस है। तो अभी जहाँ पे यहाँ पे अपर्चर यूज किया है 1.2, तो 1.2 इज अ ओपन अपर्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड कम होता है मीन्स अगेन इज व्हाट, द जोन ऑफ शार्पनेस क्या होता है, कम होता है। तो जोन ऑफ शार्पनेस कम होता है मीन्स क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉडल का सिर्फ जो अपर पार्ट है और जो बॉडी है उसमें जो फोकस है, फेस के ऊपर और शोल्डर के ऊपर फोकस है, हेयर के ऊपर फोकस है, तो ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ शार्प दिख रहा है। और जो फोरग्राउंड में जो ग्रास है वो क्या दिख रहा है, टोटल ब्लर दिख रहा है। मीन्स हम लोग को फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है हाँ, लेकिन वो क्या हुआ है, ब्लर हुआ है। और जो फोकस पार्ट है यहाँ पे जो हेयर एंड शोल्डर, दैट इज ओनली अ शार्प एंड अगेन द बैकग्राउंड इज ब्लर। मीन्स 1.2 अपर्चर यूज करते हैं तो वी विल गेट सच काइंड ऑफ इफेक्ट। जहां पे जितने ओपन अपर्चर हम लोग यूज करते हैं उतना ही क्या होता है, जोन ऑफ शार्पनेस क्या होता है, कम होता है। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स द जोन ऑफ क्लैरिटी जो रहती है पिक्चर में, जोन क्लैरिटी जो जरूरी रहती है, शार्पनेस क्लैरिटी शार्पनेस जो जरूरी रहती है वो क्या होती है, कम होती है। और व्हाइल वी आर यूजिंग अ क्लोज अपर्चर, स्मॉलर अपर्चर, दैट इज F22, F16, दोज आर वेरी दे आर प्रोवाइडिंग अस अ डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। इन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी मीन्स हम लोग टूरिंग के लिए जाते हैं तभी हम लोग बहुत से बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स दिखते हैं। दैट टाइम वी आर रिकमेंडेड सच काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड बिकॉज वी विल गेट द शार्पनेस। यहाँ पे अगेन द पिलर्स आर देयर, हाँ एक सिमेट्री है पिलर्स में। तो यहाँ पे भी देखो कैमरा जो स्टैंड फ्रंट इट्स अ नॉर्मल व्यू, तो कैमरा स्ट्रेट व्यू में है और आपको दिख रहा है कि फोकसिंग इज ऑन द थर्ड पिलर। हाँ तो थर्ड पिलर पे हम लोग फोकसिंग इधर है, इसलिए क्या हुआ है और अपर्चर यूज किया है 16, ताकि ये जो पहले के पिलर है वो भी क्या हुआ है, शार्प हुए है, और जो पीछे के पिलर है वो भी क्या हुआ है, शार्प हुआ है। इट गिव्स द थ्री डायमेंशनल इफेक्ट ऑल्सो। एंड अपने हम लोग को कैसे दिखता है, यहाँ पे बहुत सारी जोन ऑफ शार्पनेस दिख रहा है और डेप्थ भी, ये पिक्चर में डेप्थ भी अपने को क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। हाँ जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड ये आउटडोर पिक्चर में यूज किया जाता है, वैसे इंडोर्स में एडवर्टाइजिंग में भी काफी इसका यूज होता है, क्योंकि प्रोडक्ट शूट करने के टाइम प्रोडक्ट्स हमेशा शार्प दिखने के लिए क्लाइंट की बहुत इंसिस्ट करते रहते हैं कि उनका प्रोडक्ट है ना बहुत अपीलिंग और बहुत शार्प दिखना चाहिए। तो दैट्स वाई द स्पेशल लाइटिंग आर अरेंजिंग एंड स्पेसिफिक स्टूडियोज आर देयर, ताकि स्पेसिफिक लेंस से, स्पेसिफिक फोकस पॉइंट और स्पेसिफिक एपर्चर से वो प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल पावरफुल शूट होता है। और दैट इज अ वेरी हेल्पफुल इन ई कॉमर्स ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ शॉपिंग्स आर हैपनिंग ऑन द ऑनलाइन बेसिस। तो दैट्स वाई वी नीड द गुड इमेजेस फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस, एंड दैट सच काइंड ऑफ सेटअप्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड द एक्यूरेट इमेजेस। These are such advertising images. Now see, this is ये जो shot है, ये product है, pack shot बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे pack shot shoot किए हुए हैं एक proper lighting में। हाँ इसमें कोई ये नहीं है, difference नहीं है, लेकिन ये पूरा product एक ही tone में, एक ही इसमें at a time shoot हुआ है। और उसकी जो बैकग्राउंड है वो बाद में उसको क्या किया है, मर्ज किया हुआ है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो टाइनी फ्लावर्स है, हर एक जो यहाँ पे जो फ्लावर है वो अलग अलग है, और यहाँ पे जो उसकी जो फ्लावर्स दी है, जैसे लेवेंडर कलर के लेवेंडर फ्लावर है, पिंक इज पिंक फ्लावर, तो ये फ्लावर में भी जो डिटेल्स है ना, तो दैट इज वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो अभी ये शॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है, बाद में एडिट किया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों में डिटेल्स पाए हुए हैं, तो दोनों शॉट अलग अलग शूट करने के टाइम भी क्या हुआ है, टोटली शार्प शूट किया हुआ है, और टोटली शार्प शूट करने के बाद उसको मर्ज किया गया है, तो दैट्स व्हाई द इफेक्ट इज लाइक दैट ओनली। हाँ, सी द प्रोडक्ट रेंज, हाँ ये भी है, तो ये भी एट अ टाइम काफ़ी सारे लिपस्टिक एट अ टाइम शूट किया हुआ, तो यहाँ से अभी इसमें देखो जोन ऑफ शार्पनेस काफ़ी है, यहाँ से लेके एंड लेफ्ट से लेके राइट तक, हाँ टोटल इमेज इज शार्प, देयर इज अ नो कुछ भी आउट ऑफ फोकस नहीं है, कुछ भी ब्लर नहीं है, नथिंग इज देयर, तो ये शार्पनेस पाने के लिए भी प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर यूज ऑफ लेंस एंड प्रॉपर एपर्चर, इसका यूज ये तीनों का यूज होना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, तो ही आपको शार्प इमेजेस मिलते हैं एंड डेप्थ ऑफ फील्ड वी कैन अचीव इन सच काइंड ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो। अभी वही ज्वेलरी शूट होती है, हाँ तो ज्वेलरीज आर वेरी स्मॉल पार्ट्स, एक्चुअली ज्वेलरी रहती है तो बहुत छोटी छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, डायमंड्स वहाँ का जो डेलिकेट जो डिज़ाइंस रहते हैं, तो उसको पाना उसके डिटेल्स पाना इतने आसान नहीं रहता है, तो स्पेसिफिक लेंसेज आर देयर, हाँ और तो स्पेसिफिक लेंसेज से क्या होता है, अभी समझो कुछ माइक्रो लेंस से शूट कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो लेंस से शूट करने के टाइम की उसमें जो ये जो है डायमंड्स के डिटेल्स आना ही बहुत ज़रूरी रहते हैं, जैसे अभी इधर दिखा ये पिक्चर में है, तो इसके ये ज्वेलरी के डिटेल्स पाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो डिटेल्स जब ही चाहिए रहते हैं तभी क्या रहता है कि उसमें शार्पनेस के लिए स्मॉल अपर्चर यूज़ किए जाते हैं, और स्मॉल अपर्चर जब भी यूज़ आते हैं किए थे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो एरिया फोकस होता है वो तो शार्प होता ही है, उसके पहले का और उसके फोरग्राउंड का और बैकग्राउंड का दोनों भी क्या होता है, शार्प होता है। अभी जैसे कि एग्जांपल ये जो पैंडल ये जो ये इयररिंग्स है, तो यहाँ पे इसकी फोकस है, तो यहाँ पे फोकस होने के बावजूद आप ये इयररिंग भी शार्प हुए है, ये इयररिंग भी शार्प है, इसके भी डिटेल्स पाए हैं, और ये जो इयरिंग है इसके भी डिटेल्स क्या हुए हैं हम लोग को अचीव हुए हैं, तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्चुअली लेंसेज फॉर एवरी लेंस, एवरी फोटोग्राफी देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ज्वेलरी फोटोग्राफी इज अ टोटली स्टूडियो फोटो, मीन्स दैट इज अ स्पेशल लाइट्स दे आर नीडेड बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वेरी रिफ्लेक्टिव, तो और एपर्चर हम लोग को ये करने पड़ते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करके एपर्चर स्मॉल एपर्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में काफ़ी सारी ये रहती है डिटेलिंग रहती है, तो एडवर्टाइजिंग में भी इंडोर शूट्स में डेप्थ ऑफ फील्ड का काफ़ी यूज़ किया जाता है, पोर्ट्रेट में यूज़ होता ही है, वो आपने हम लोग इनिशियल स्लाइड्स में मैंने दिखाया, पोर्ट्रेट्स में डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ हमेशा होता है, क्योंकि कभी कभी बैकग्राउंड की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, दैट टाइम जो आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड रहती है वो कभी कभी अच्छी दिखती है, और पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं अच्छे दिखते हैं, तो दैट्स वाई सच काइंड ऑफ पिक्चर्स इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन नाउ डेज, एंड बैकग्राउंड नीडेड समटाइम्स द बैकग्राउंड नीडेड वेरी शार्प शार्पली फोकस्ड और इट अफेक्ट्स दैट होल सिनारो और होल पिक्चर इन सच टाइम डीप डेप्थ ऑफ फील्ड इज नीडेड लाइक दिस। तो यहाँ पे अपर्चर क्या है, क्लोज अपर्चर है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मॉडल है उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, इसकी जो ज्वेलरी है, यहाँ के जो फ्लावर्स है, ये क्या हो रहा है, पूरे शार्प दिख रहे हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अपर्चर डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, 16 अपर्चर यूज़ करने के बाद हम लोग को ये जोन ऑफ शार्पनेस क्या होता है, ज़्यादा अचीव होता है, लेकिन इसमें एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड रहता है, जब भी क्लोज अपर्चर यूज़ करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू वेरी केयरफुल फॉर द लाइटिंग ऑल्सो,
हाँ, लाइटिंग बहुत अच्छा और लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरत है। उसके ऊपर ही विजुअल का इम्पैक्ट क्या होता है, पावरफुल है कि नहीं है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल अंडरस्टैंड द मोर अगेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।